बांसगांव थाना क्षेत्र खजनी तहसील के बेलूडीहा बढ़नी गांव में शुक्रवार की सुबह कपड़ा व्यापारी 56 वर्षीय अनिल पांडे पुत्र मार्कंडे पांडे को चुनावी रंजिश को लेकर ताबड़तोड़ गोली मार दी गई। घटना की सूचना पाते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी व पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी घटनास्थल का जायजा लेते हुए घायल कपड़ा व्यापारी का हालचाल लेने मेडिकल कॉलेज पहुंच गए और घटना की जानकारी ली। आरोप है कि गोली चुनावी रंजिश में मारी गई है। आनन फानन में परिजन उन्हें लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। उधर घटना की सूचना पर तत्काल एसएसपी दिनेश कुमार पी एसपी उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी भी मौके पर मेडिकल कॉलेज पहुंच गए और जानकारी जुटाई। इस मामले में तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुख्य अभियुक्त सहित लगभग 1.5 दर्जन नामित अभियुक्तों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार 15 अप्रैल को गाँव में मतदान के दौरान फर्जी मत पड़ने को लेकर प्रधान प्रत्याशी चंद्रप्रकाश सिंह उर्फ सोनू के साथ मारपीट की गई थी। साथ ही उन्हें गाड़ी से कुचलने का प्रयास भी किया गया था। उन्हें पीजीआई लखनऊ में भर्ती कराया गया और वह कोमा में है। उन पर हमले का आरोप एक मनबढ़ व्यक्ति पन्नेलाल यादव पर है। लोगों ने बताया कि जिस समय सोनू पर हमला हुआ उस समय पुलिस वहां मौजूद थी, पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। आरोप है कि घायल सोनू का समर्थन कपड़ा व्यापारी व स्थानीय भाजपा नेता अनिल पांडे व उनका परिवार कर रहा था, इसलिए शुक्रवार की सुबह पन्नेलाल यादव कई मनबड़ों के साथ उनके घर पहुंचा। कुछ के हाथ में ईंट पत्थर तो 4 लोगों के हाथ में असलहा था। पहले पत्थरबाजी की, फिर बरामदे में जाकर कई राउंड फायरिंग की गई। महिलाओं व अन्य लोगों ने किसी तरह छिपकर जान बचाई, लेकिन इस दौरान एक गोली कपड़ा व्यापारी अनिल पांडे के सीने में लग गई। इस संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि गोली लगने से अनिल पांडे घायल हुए हैं। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर जांच की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया। चुनाव समाप्त हो उसके परिणाम आएगा को ही लेके छविनाथ सिंह। हाँ, आप जो तहसीलदार हैं उनसे भी बताइए। हाँ, आज यहाँ तो हम कहें सर जी, यह कल अगर हो गया कहा कहाँ कहाँ देखे हम। मेरा काम एक जगह थोड़ी है, इतना बड़ा क्षेत्र है। हम कहे ठीक है, हर जगह ऐसी घटना नहीं ना होगी। क्यों गोली मार दिया जा, वो बराबर हो गई ना, क्यों कहीं झगड़ा बवाल भाई टूटू में हर काम हो गोली मार देता था दुआरे पचट। हाँ, आज प्रातः काल थाना बांसगांव के बेलूडीहा गांव में गत दिनों जो पुलिंग हुई थी उसमें घईसरा बूथ पर दो पक्षों में वाद विवाद हुआ था। उसी घईसरा ग्राम सभा का एक मजरा ये बेलूडीहा है, जहां पर कल की प्रतिक्रिया में आज दो पक्ष फिर लड़ गए और उसमें एक पक्ष की ओर से फायर हुआ जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया। इसमें तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। हालांकि गांव में गोली चलने से अफरा तफरी का माहौल हो गया था। उसके बाद पीड़ित पक्ष की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और लगभग 1.5 दर्जन नामित अभियुक्तों को, जिसमें से मुख्य अभियुक्त भी शामिल हैं, मैं नाजायज असलहों के गिरफ्तार किया गया है। घायल है, उनकी स्थिति क्या है? घायल का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। हमने अपने जो हमारा चौकी है लगातार वहां जो भी जिले के इस तरह के केस होते हैं वो वहां उनको मेडिकल सुविधाएं वगैरह समय से तैयार रखने के लिए रहती है और उन्हीं के माध्यम से हम लोग भी वहां से जानकारी किया है। तो फिलहाल उनका उपचार चल रहा है और स्थिति जो है वो नियंत्रण में बताई जा रही। सर, इसमें क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है? मैंने बताया ना कि लगभग 1.5 दर्जन जिसमें मुख्य अभियुक्त भी शामिल हैं और घटना में प्रयुक्त नाजायज
असलहे भी, ये सब भी बरामद हो गए हैं, तो उनकी गिरफ्तारी हुई है।